आज मैं इंस्टेंट डोसा बनाने जा रही हूँ। इसे आप सिर्फ 1 से 2 घंटे के बीच में बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी डोसा बनते हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में आधा कप लगभग 125 ग्राम के करीब उड़द दाल लेंगे। साथ में आधा छोटा चम्मच मेथी दाना भी लें। इसे हमें 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। दो बार पानी से इसे धो लेने के बाद इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए सोख होने रख देना है। 1 घंटा हो गया है, दाल अच्छी तरह से फूल गया है। सोख किया हुआ जो पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है। इसे अब ग्राइंडर जार में डाल दें। और इसके अंदर जो आधा पानी है उसे निकाल देंगे। उसे फेंकना नहीं है, उसे बाद में हम इसी में ऐड करेंगे। इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। एक सा पेस्ट बना लेने के बाद इसे बोल में निकाल ले। इसे हम सेम उसी बोल में निकालेंगे। ये हमारा इंस्टेंट डोसा बनकर रेडी है। ये सिर्फ 2 घंटे के ग्राइंडर लिए जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड कर दे। अब जितना हमने दाल लिया था उतने ही हमें चावल का आटा ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप लगभग 125 ग्राम के करीब चावल का आटा ऐड किए हैं। चावल का आटा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके अंदर जो लम्प्स है उसे हटा देंगे। लम्प्स को अच्छी तरह से हटा देने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। साथ में कुछ मसाला भी ऐड करेंगे। 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 नींबू को इस तरह से उसका रस निकाल कर बीज को हटा देना है और इसके रस को उसमें ऐड करना है। बैटर को अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी नॉर्मल डोसा के बैटर के जैसा ही रखना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब डोसा वाले पैन को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो पर रख दें और इसमें 1 चम्मच के करीब बैटर पोर करें और इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए फैला दें। ऊपर से 1 टीस्पून ऑयल स्प्रिंकल करें। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखना है। एक साइड हो जाने के बाद इसे दूसरी तरफ पलट दें। दूसरी तरफ पलटने के बाद इसका फ्लेम लो पर रख देना है और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट पकने देना है। दो मिनट पक जाने के बाद इसे निकाल लें। अब दूसरा वाला डोसा बनाने के पहले पैन को ऑयल से ग्रीस कर देना है और अगर तवा ज़्यादा गर्म है तो उस पर पानी के छींटे डाल दें जिससे कि तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बैटर डालने में आसानी होती है, वो स्टिक नहीं होता है। उसके बाद गैस का फ्लेम लो पर रखकर इसमें 1 चम्मच के करीब बैटर पोर करें और इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए फैला दें। ऊपर से 1 टीस्पून ऑयल स्प्रिंकल करें। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखना है। एक तरफ सिक जाने के बाद इसे दूसरी तरफ पलट दें।
दूसरी तरफ पलटने के बाद इसका फ्लेम लो पर रख देना है और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट पकने देना है। दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद इसे प्लेट में निकाल ले। अभी हमारा इंस्टेंट डोसा बनकर रेडी है। ये सिर्फ 1 से 2 घंटे के बीच में बनकर रेडी हो जाता है। इसे कोकोनट चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें। अगर ट्राई करने के बाद आपको रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।